सो दिस पर्टिक्यूलर क्रूज वॉज सपोज टू गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा सो आर्यन खान अलॉन्ग विद्रेंड्स वर गोइंग टू गो फ्राम मुंबई टू गोवा इन दिस पर्टिक्युलर क्रूज उससे पहले ही दी एनसीबी कंडक्टेड सरप्राइज रेड एंड कॉट आर्यन खान एंड ऑफ हिस फ्रेंड्स विद सम सब्सटेंसेज और आई वुड से सर्ट इन ड्रग्स जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दैट आर प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन लॉ So, today we are going to discuss as to what is the law on this particular subject and what exactly is the Indian legal scenario when it comes to using these drugs like cocaine, charas, ganja, and so on. Okay, so first of all, I think it becomes very important for all of you guys to understand that these drugs obviously are used in a negative connotation when we look at certain media reports, certain people using it, people going to jail for it, like Aryan Khan is in jail for this particular thing. However, there are certain drugs which are very important for medicinal purposes also. So, historically, India has been using these drugs like opium and so on for medicinal purposes. In fact, cannabis is a very good, I would say, kind of a medicine for cancer patients as well. So, cannabis oil is used many times use for treating cancer patients as well, right? However, the problem is from medicinal purposes, these drugs are being used by people for recreational purposes now. And that has been creating a lot of problem because it's not just the usage of these drugs. It's also the resultant of the use because it can lead to certain criminal activities as well. That is why these drugs are prohibited in India. So the very first act I would talk about pre-independence first came in the year 1857, which was called the Opium Act of 1857. In 1878, there was another Opium Act. Tha. So we had two Opium Act. But the problem with the Opium Act was it

नहीं होता था कि अगर आप उनको दूसरी बार पकड़ोगे तो भी सेम पनिशमेंट मिलती थी no ठीक है कोई भी किसी को भी डर नहीं लगता था अगर वो इस एक्ट के अंदर पकड़े जाते थे बिकॉज दी फाइन वॉज सो मीगर नॉ ऑब्वियसलीर वर सर्टन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑल्सो दैट इट कम बाय ना मतलब है या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पोजिशन है उसका जो कंजम्पशन है उन सबको कम करना पड़ेगा राइट वी नीड टू रिड्यूस दी कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर दिसलिए इन नाइनटीन एटी फाइव फाइनली इंडिया केम अप विद अपन एक्ट कॉल्ड दी कॉल्डिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985 जिसको हम एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं एंड दिस एनडीपीएस एक्ट इज लोगों को अरेस्ट करता है बाई द एनसीबी दैट इज अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली सो वॉट डिस एक्ट एक्सैक्टली डू इट बेसिकली प्रोहिबिट्स द मैन्यूफेक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन पोजेशन कंजम्शन सो बेसिकली वहां प्रोड्यूस होने से लास्ट कंजम्प्शन तक एवरी एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू सर्ट इन ड्रग्स जो कि उसके स्कड्यूल में दे रखे दे आर बैंड बाई दीपी ठीक है सो एज आर्यन खान वॉज कॉर्ट विद्रेंड्स इन पोजिशन विध विच इंक्लूडेड कोकेन चरस एल एस डी एनसो वन विच आर प्रोहिबिटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट ओके नाउ दनिशमेंट दे रखी है ना दे आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एक्चुअली टेकन फ्रॉम योर पोजिशन ठीक है जो आपके ड्रग्स से जो पोजिशन जितना भी ड्रग्स आपके पोजिशन से मिला है उसके हिसाब से होता है सो तो तेरा थ्री क्वाटिटीज इन विच इट इज डिवाइडेड फर्स्ट वन इज द स्मॉल क्वांटिटी सेकेंड इज द लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज कमर्शियल क्वांटिटी सो इफ यू फॉल विद इन दी स्मॉल क्वांटिटी अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी ही मिला है देन द पनिशमेंट इज जनरली अप टू वन ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट ओनली whereas if you get less than commercial quantity, the punishment is up to 10 years. and if you have a quantity which is a commercial quantity, the punishment is somewhere between 10 to 20 years. and there are certain offenses under this particular act which are considered so disgraceful for the society, i would say, or so harmful for the society, that the provision of death punishment is also there. ticket death penalty is also there, although that is given in very rare cases.

अर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इसमॉल क्वांटिटी है या कमर्शियल क्वांटिटी है या लेस देन कमर्शियल क्वान्टी है इट वेरीज फ्रॉम ड्रग टू ड्रग बिकॉज यू टॉक अबाउट लाइक सी अ गांजा वन के जी ऑफ गांजा फॉल्स विद इन स्मॉल क्वांटिटी वेर इज अगर आप कोकिन की क्वांटिटी को टू ग्राम से ज्यादा कर दोगे दैट विल बी समिंग विच विल बी मोर देन अ स्मॉल क्वांटिटी राइट तो वो लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में चला जाएगा न सी एक किलो और टू ग्राम में कितना बड़ा डिफरेंस है सो इट डिपेंड फ्रॉम ड्रग्स टू ड्रग्स है ना सो जैसे मैंने आपको बताया दी एनडीपीएस एक्ट इसमें दो चीजें बोली गई है दी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज सो नार्कोटिक ड्रग्स जनरली वो होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वेरियस साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज देट आर ब्लेंडेड जो कई सारे सोल्ट ब्लेंड करके जो बनते हैं दो आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज राइट So, drug abuse has been a major problem in India for quite some time. Even after the NDPS Act, a lot of it goes unnoticed in India. In fact, there are a lot of places in India where uh, people generally do drug tourism because these places are quite famous for the kind of drugs that they provide to people. So, now to tackle this problem, I think we need a more prominent authority which can tackle it throughout the country, which can tackle any kind of drug abuse or drug use throughout the country if that is the aim of the government when it, come, when it came with the NDPS Act. So I would like to know your opinion in the comment box as to what do you think about the Aryan Khan case and the entire drug saga and about the NDPS Act as well. I'm pretty sure that you guys must have understood the basics of it. Other than that, I think you would know that I've been teaching on Unacademy these days and I've been taking a lot of lectures on current affairs, legal reasoning and so on. I've been doing a lot of lectures on strategies as well as to how can you keep your mind sane during the entire preparation at 915 pm you can attend some of my free lectures that i keep doing every single day at 915 pm every day you can find some of the links in the description box of those lectures other than that you can join our new batches also they will be quite helpful for you for clad 22 and 23 don't forget to use my code malpani or keshav live for you to get 10% off on these particular batches